बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज सिवान से मिले हैं। सिवान में एक ही परिवार के 23 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। सिवान बिहार का अब कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। दरअसल 21 मार्च को ओमान से लौटे एक व्यक्ति को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आए हुए परिवार के 22 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं एक मरीज पचरुखी का है, वो दुबई से 16 मार्च को गांव पहुंचा था। दुबई से आने के बाद इसके संपर्क में कुल 39 लोगों के होने की सूचना जिला प्रशासन को है। बेगूसराय में 5 और नवादा में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिन लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं, उनके मरकज से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद अब बिहार के 3 जिलों सिवान, बेगूसराय और नवादा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विदेश से लौट रहे लोगों को अपील की है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएं नहीं और जाँच के लिए सामने आए। न्यूज डेस्क।